थोड़ा और डालो माँ। अरे इतना सारा मक्खन तो यशोदा मैया भी न खिलाती रही होंगी अपने कृष्ण को। बस सारा मक्खन ठुसाए जा अपने चच्चू को। मेरे चच्चू के खाने में नजर मत लगाए करो। हाँ अरे खिली मत जाना, गौरी के साथ जाना। अच्छा माँ। आइए आइए सुखदेव जी। इधर से जा रहा था, सोचा मिलता चलूं। क्यों नहीं क्यों नहीं, मिलते मिलाते तो रहना चाहिए ना। सोचा तुम खाना लेकर जाने ही वाली होंगी तो रास्ते में उतारता जाऊंगा। वो श्यामा बेटी आने वाली है ना। क्या कहा, श्यामा आ रही है? अरे यूँ कहो मेरी जान आ रही है, इसलिए मैंने सोचा कि इतना मत सोचा करो। गाड़ी चलाता हूँ या तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तीसरा तो कोई काम ही नहीं है ना। अच्छा क्या क्या सोचते हो? ठहरो ठहरो ठहरो, आराम से बैठकर बता। अब बता। बस खाली पुलाव पकाता रहता हूँ कि मैं यहाँ बारात लेकर आ रहा हूँ और तुम दुल्हन बनी बैठी हो। फेको मत सुखू, अगर तुम घोड़े पे सवार बाजे गाजे के साथ मेरे घर आ रहे हो तो मतलब ये हुआ कि तुम सड़क पर हो, तो फिर तुम ये कैसे देख सकते हो कि मैं दुल्हन बनी बैठी हूँ? यानी कि सोचने की बात है। देख मेरी मोहब्बत की कदर करना सीख जालिम। सीख लूंगी सीख लूंगी, इतनी जल्दी भी क्या है, सारी जिंदगी पड़ी है। एक शायर ने कहा है, मेरी जान चाहने वाला बहुत मुश्किल से मिलता है। तब तो तुम चाहने वाले हो ही नहीं सके। क्यों? क्योंकि तुम तो बड़ी आसानी से मिल गए। जाओ जाओ, जब मुश्किल होना आ जाए तब चले आना। मैंने सोचा कि अरे फिर सोचा। अच्छा अंदर है क्या? मेरे चच्चू का खाना गिर गया होता तो मुंह नोच लेती उस सुखा का। चुप है, चच्चू की चमची। मैं क्यों होने लगी उनकी चमची? मैं तो अपने चच्चू की प्यारी प्यारी बेटी हूँ, तुम हो उनकी चमची। क्या? उनका चिमटा, उनकी छन्नी, और क्या कहते हैं कि एक ग्लास पानी मिलेगा। बोरा चलो। क्यों? पहले मेरे कान में वो बोल। चाची। अम्मा से बोलो। क्या? यही कि तुम मेरी चाची बनना चाहती हो। ए कह के तो देख, जिंदगी भर तुझसे बात नहीं करूंगी। हाँ चल, वहाँ भूख के मारे तेरे चचू के पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे होंगे। जोर से बजाओ, जोर से। हाँ बस, हॉर्न बंद हो गया मालिक, हॉर्न बंद हो गया मालिक। हॉलीवुड, इस गैरेज को यहां से हटाना ही पड़ेगा। तुम तो इस गैरेज के पीछे हाथ धोके पड़ गए हो। तो वो इतने जोर जोर से हॉर्न क्यों बजाता है? गैरेज में हॉर्न नहीं तो क्या सितार बजेगा? मगर यशोदा, मगर वगर रहने तो, इस वक्त स्टेशन जाना है कि नहीं? स्टेशन जाना क्यों नहीं है? तो क्या श्यामा के घर आ जाने के बाद जाओगे? गाड़ी निकालो जी। जी मालिक। चलो अनु, गले में रुमाल बांध लो। मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, मैया मोरी। चुप, मेरे खाने में मिर्च झोंककर गाना गा रही है। अरे क्यों नहीं गाऊंगी, जरूर गाऊंगी। चिल्लाने वाला बड़ा आया, मैया मोरी मैंने। अगर ये खाना तेरे मुंह में निकल आए तो नाम बदल देना। भागती का है? ईस्ट इंडिया कंपनी इसी पर बैठकर हिंदुस्तान आई थी भैया। चलती क्यों नहीं? लोड ज्यादा हो गया है। ठीक है मैं लोड कम किए देती हूँ, गलती मेरी थी जो मैं झड़पू पे बैठ गई। आप बैठिए एक मिनट, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। मैं रिक्शा कर लूंगी। अरे रिक्शा कर रही हो, कहाँ जा रही हो? इतनी मिर्ची क्यों तल रही हो बेटा? श्यामा आ रही ना बाबा, मिर्ची के बगैर तो निवाला नहीं तोड़ती। गुप्ता जी गाड़ी के बखत से 3-3.25 घंटे पहले रवाना भय थे स्टेशन के वास्ते। तब तो उनकी कार लोकल के वक्त तक स्टेशन पहुंच जाए तो गनीमत जानिए। अरे वो कार थोड़ी है, बड़ी ज्यादा की चूटी है, चूटी। अच्छा बेटा हम जा रहे हैं, डिप्टी साहब को गाड़ी पहुंचा के उधर ही से हम गैरेज चले जाएंगे।
हम पहचान गए श्यामा की बच्ची। मिर्च। अरे कमाल है, झटपू की आवाज तक नहीं आई। काफी मजेदार है, मैं झटपू से आई नहीं। मैंने वहाँ कई बार ट्राई किया, तुझसे मसाला लिखवा के ले भी गई थी, पर कभी भी ऐसी करारी नहीं बनी। पता चला मजा मिर्च में नहीं, तेरे हाथ में है। अब बस कर, नहीं तो सुबह को बैंड बजेगा। छी, गंदी कहीं की। मैं ये ले जाऊँ। तेरे लिए तो बनाई है। अब देख मैं तेरे लिए क्या क्या लाई हूँ। चल, ये साड़ियाँ, ये जेवर और ये लिपस्टिक। तू मेरे पास इतनी महंगी महंगी चीजें क्यों लाती है? लाऊंगी, हजार बार लाऊंगी। बड़ी आई सवाल करने वाली। ये बात नहीं है रे, मेरे पास अपनी जान के सिवा कुछ भी नहीं है, वही दे दूंगी तुझे किसी दिन। जी ये मेहरबानी ना कीजिएगा, मेरे पास अपनी एक लंबी चौड़ी जिंदगी मौजूद है। ये देखो मेरी जीवन रेखा, यहाँ से लंदन तक लंबी है। आजकल मैं पामिस्ट्री पढ़ी हूँ, जरा दिखला अपना हाथ। चार लड़के, छह लड़कियां और डेढ़ पति। डेढ़ मतलब ये कि एक आदमी पति होते होते रह जाएगा और दूसरा पति हो जाएगा। यार तू प्रेम भी बड़ा जबरदस्त करने वाली है। अब बाकी कल, क्योंकि मैं चली घर। अरे क्यों, बैठना थोड़ी देर। नहीं नहीं डैडी, गोली तो नहीं मारेंगे क्योंकि कारतूस महंगे हो चुके हैं, लेकिन डांट जरूर पिलाएंगे। मम्मी भी परेशान हो रही होंगी। अब तक मेरे खैरियत से घर पहुँचने के बारे में सत्यनारायण की 3-3.5 कथाएं मान चुकी होंगी। बाय बाय। डैडी, जब तक आप किसी को डांट न ले आपका खाना हजम नहीं होता। श्यामा बेटी, मेरा तो हॉल के बारे दम निकला जा रहा था। हेलो माँ। कहाँ रह गई थी बेटी? मैं जरा गौरी के यहाँ चली गई थी मम्मी। व्हाट? ये क्या? मैं हजार बार कह चुका हूँ कि गौरी से तुम्हारा ये मिलना जुलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और मैं भी हजार बार कह चुकी हूँ कि मैं गौरी से जरूर मिलूंगी। बंद करो ये महाभारत, जब देखो ऊंच नीच छोटा बड़ा करते रहते हो। क्यों ना करूं? हाँ तो अंदर जाकर अपने कमरे में करो ये सब। आपको तो टर्राने की आदत है, एक मरतबा भोपू खुल जाए तो बंद ही नहीं होता। बोलना मेरा धर्म से अधिकार है। मेरे पिताजी एमएलए थे, मैं एमएलए रह चुका हूँ। इस मोहनवा की वजह से मेरी जमानत जब्त हुई, वरना आज एमपी होता, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में बोल रहा होता। इस मोहनवा इसके खानदान की ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं। किरामा फोन तो बजाना आया नहीं, ईंट से ईंट बजाने चले। देखो यशोदा, 25 बरस से देख रही हूँ। गाड़ी स्टार्ट हो गई साहब। आह मिस गुप्ता, आज ये डिबेट अच्छा, मुझे बोर्ड मीटिंग पे जाना है। प्रजातंत्र का मतलब ये नहीं है कि बोर्ड के चेयरमैन का भतीजा शहर में आफत जोते और कोई कुछ न कहे। मैं चुनाव हार गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ हूं ही नहीं। मेरी आवाज यहाँ से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली तक पहुंचती है। क्यों? बोलिए बोलिए, हम हथेली से नहीं सुनते। देखिए देखिए मिस्टर चेयरमैन, मेरे भाषण के बीच खैनी खाके मेरा अपमान किया जा रहा है। बाबू चंद्रिका प्रसाद जब आपके साथ वोट किया करते थे तब भी खैनी खाते थे, तब तो आपका अपमान नहीं हुआ करता था। अपनी बात कहिए। ठीक है, फ्लो क्रॉस करके रूलिंग पार्टी में आने के बाद ही मैं अपनी बात कहूंगा। तो मैं आपका सुझाव वोट के लिए रखता हूं। क्या मोहन गैरेज को पब्लिक न्यूसेंस मानकर उसे बंद करने की कार्रवाई शुरू की जाए? नहीं, नहीं। तो मैं वॉकआउट करता हूं। बिल्कुल तुम्हारे चच्चू जैसा है। क्या कहा, फिर से कहो। अरे नहीं यार, मजाक कर भी माफ कर दो। अरे भाई उसके चच्चू को कुछ मत कहो। निकम्मी जा, मैं नहीं देती। तनख्वाह मांगने सूरत पर सवार हो जाते हैं, वो भी 25 तारीख को। दीदी चलो तमाशा देखने, छोटी दा को गुस्सा आया है। तनख्वाह बढ़ाने के लिए भाड़ की तरह मुंह खुला रखती है 24 घंटे, और काम काम ढेला भर कभी नहीं करती है। छोटी दा, क्या है ये ढेला, क्या होता है छोटी दा? बस एक तेरी ही कमी थी, चल भाग यहाँ से। क्यों जाओ, ये मेरे दादा का घर नहीं है क्या? तू खड़ी तो रहे, बड़ी आई दादा वाली। अरे सरस्वती, ये किसका गुस्सा मुझ पर उतार रही हो? तुम चुप रहो जी, तुम्हारे चेहरे पेटियों ने मेरे नाक में दम कर दिया, घर को अलग कर दिया है, फिर भी चैन से नहीं रहने देते हैं लोग। हाय चाची, लो आ गई सारी। जयराम जी की चाची। तुम चुप रहो जी। सरम मीठा बोलना तो सीखो सरस्वती। आज अगर मेरा अपना बेटा होता तो मेरे ही घर में मेरा भतीजा मेरा अपमान नहीं करता।
खोखला करके मारती हैं, आवाज ज्यादा हो और चोट कम लगे। चाची बस, चाची चाची बा, ये तो बेहोश हो गई, डॉक्टर को बुलाना चाहिए। अरे नहीं नहीं बेटी, आवाजें सुनकर चक्कर आता है इन्हें, दो चार मिनट में ठीक हो जाएंगी। चाची जी हम लोग चलते हैं। हाँ जा। चलो ना। मोहन। हाँ भैया। जरा इधर आओ, ये बहुत बुरी बात है मोहन, वो हमारी माँ की जगह है। हमारी माँ उनकी जैसी कड़वी हरगिज नहीं थी, उन्होंने हमें कोसने की सिफत दिया ही क्या है, माँ जैसी हैं तो माँ जैसा प्यार भी दे। तो क्या हम भूल जाएं कि वो हमारी चाची हैं? तुम तो छेड़कर अलग हो जाते हो, बाद में भुगतना पड़ता है बेचारे चाचा जी को। अच्छा मैं चलती हूँ। गाड़ी लाई हो? मैं तो कभी भी ना बैठूं उस झरपू पर। मगर गुप्ता जी उस कार में ऐसे लगते हैं बड़े भैया, जैसे फ्रेम में तस्वीर। चुप बदमाश, छो मुंह में आता है बक देता है, जा छोड़ा। नहीं बड़े भैया मैं चली जाऊंगी। ए श्यामा इतना नखरा मत दिखा, मेरा देवर बहुत नेक और शरीफ है। हाँ हाँ मैं खूब जानती हूँ आपके देवर को, चलो। मैं भी आया। ये बड़ी अच्छी लड़की है। बड़ी अच्छी है। हाँ बड़ी अच्छी है। चुप, ये तो ऐसे बुढ़ियों जैसे पटर पटर बोलने लगी है कि कुछ पूछो मत। अरे मेरा तो डर के मारे दम निकल गया, और तुम्हें हंसी आ रही है, उसको मजा जरूर चखाना है। अरे वो बड़ा चंट है, वो नहीं चखने का मजा वजा। मेरी बात तो सुनो, तुमने तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार मान ली। अच्छा बाबा बोल। देखो मैंने कल उसे खाने पे बुलाया है, अब सोचना ये है कि अरे यार जरा वो मिर्चों का मर्तबान तो लिया, बगैर मिर्च का मुझसे सोचा नहीं जाता। मालूम है। ले चूस। ये बात हुई ना। अरे 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 बड़ी तीखी है, अभी तो खा। जी नहीं। कोई ऐसी तरकीब करनी चाहिए कि फिर साल दो साल श्री मोहनलाल श्रीवास्तव कोई शरारत करने की हिम्मत ही ना कर सके। करेक्ट। तस्वीर में भी घुरता है। आज खबर लेते हैं मोहन जी की। आइए आइए, सुना है जब से कि चोरी की उनको आदत है, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। तुम्हारे डैडी सचमुच घर में नहीं है ना? अरे हद करते हो, वो घर पर होते तो क्या मेरी शामत आई थी कि मैं तुम्हें यहाँ बुलाती? आज तो मम्मी भी घर पे नहीं है, और नौकर चाकर सब नून शो में जय संतोषी माँ देखने गए हैं। लवली, खाना पका है ना? अरे क्यों नहीं पका? अरे ऐसा खाना तो जीवन भर याद रहेगा। हाँ मलाई के पराठे, प्याज का हलवा, हैदराबादी बैंगन और भरी हुई कश्मीरी मिर्च। नाम लिए जा रही हो, खिलाने का नाम नहीं लेती। अरे पहले मुंह हाथ तो धो लो। ओह लवली अभी धो रहा है। ला 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 ला। नल में पानी नहीं आ रहा है, वो जग में है पानी। ओह थैंक यू। ये तुम दोनों में से किसकी हरकत है? ये गौरी की शरारत। गौरी बहुत बुरी बात है। I'm very sorry, इससे मुंह पोछो गौरी, very bad। गौरी कभी बात नहीं आएगी, मैं देख लूंगा। किसे क्यों नहीं पोड़ रही हो? देखो गौरी। यार तुम भी हद करते हो यार। बहुत अच्छी। ये लो, ये जनून है।
जल्दी करो ना, कहीं वो तिरछी नजर वाला, घनी मूछ वाला तेरा कंजूस बाबा आ गया तो मेरी खैर नहीं,
मुझे भूख मारे जा रही है। भूख नहीं मारेगी, मैं मारूंगा। कौन है बे? गुप्ता जी नमस्ते। नमस्ते। वापस करो मेरा नमस्ते। कर वरना मैं नौकरों को बुलाऊंगा। वो जय संतोषी माँ देखने गए हैं। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही तुम्हें मार कर निकालूंगा। एक मिनट एक मिनट, आप रेडी हैं? रेडी हैं? क्या बात है गुप्ता जी, आजकल आप प्रैक्टिस में नहीं लगते। पहले वो दम तो ले लीजिए। पानी मंगा दूं? अरे पानी। नमस्ते। तू ही आई? अरे गरीब। कुसट का कुछ इलाज करना ही पड़ेगा। तुम अभी तक वहीं पर हो? अरे मेरा खून खोल रहा है। खून खोलाने से क्या फायदा, उसकी तो चाय भी नहीं बना सकते, और यहाँ भूख के बारे दम निकलता जा रहा है। हाँ घर तो चले रहे हैं, मैं गरम गरम रोटी बना देती हूँ। रात की दाल है और अचार भी है। मजा आ जाएगा। अरे बारिश हो रही है। मैं भीग रही हूँ। चलो वहाँ चलकर बैठते। चलो चलाओ जल्दी, आओ भीग रहे हैं, चलो जल्दी। अरे भागो। लगता है इंद्र भगवान फ्लोर क्रॉस करके गुप्ता जी की पार्टी में जाकर मिल गए हैं। ए नजदीक आओ ना, और नजदीक आओ ना। अब और कहाँ बैठूं, तुम्हारे सर पर? हाँ तो मेरे दिल में। ये क्या चूड़ा हो रहा है? अरे सुनते हो, चाय में थोड़ी सी अदरक भी डाल देना। इतना बड़ा हो गया और ये ढिड्डू का पड़ा ये नहीं जानता कि ऐसे भीगना नहीं चाहिए। अरे कब अकल आएगी तुझको? हम दोनों भाई अपनी अकल को सेंत के रखे हुए हैं, जब तुम्हारी खत्म हो जाएगी तब निकालेंगे। करेक्ट भैया। अरे अरे ये क्या कर रही, ये ले गुड़क ले। मिसेस सोहनलाल श्रीवास्तव, बरसते पानी से डरे बुढ़े, मेरा मोहन क्यों डरे? हाँ। जब तक हम अदरक की चाय पिलाने के लिए जिंदा हैं, तो खूब भीग पानी में। खूब भीग भीग। चचू छोटी दादी, यहाँ कोई मेहमान आया है। मैं कहती हूँ किसी लड़के को गोद ले लो देखभाल कर। बुआ जी, लड़का कोई पेड़ पर फलता तो नहीं है जिसे मैं ढेला मार कर तोड़ लाऊं? अरे वाह, लक्ष्मी के साथ बच्चे हैं, उनमें से किसी एक को गोद ले लो, बस किस्सा खत्म। मैं भगवान की दया से अभी निराश नहीं हुआ हूँ। तुम भगवान को बीच में क्यों लाते हो जी? खुद के अकाउंट में तो कुछ माल है ही नहीं, तो इसमें रिजर्व बैंक का क्या कसूर? बुआ जी ये तो चाहते हैं हम बिना औलाद मर जाए, ताकि इनके सारे रुपए इनके भाई के बेटों को मिल जाए। मगर मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगी। जरा कान खोल कर सुन लो लोगों, चाचा जी के रुपयों में से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। हाँ जरा धीरे बोलो, आवाज सड़क तक जा रही होगी। अगर सड़क तक आवाज जा रही है तो क्या सड़क से डरती हूँ? ऐसा डब्बू आदमी मैंने कहीं नहीं देखा, कहीं ये ना सुन ले कहीं वो ना सुन ले। अरे चाची चिल्लाइए मत, नहीं तो आपका गला दुखने लगेगा। हाँ अब बोलिए आराम से। ना मैं तुमसे डरती हूँ ना तुम्हारे बड़े भाई से। आहिस्ता चाची आहिस्ता, मैं बहरा थोड़ी हूँ। अबे चुप, जब देखो टिक 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 टिक, एक ऐसा रसीद के दे दूंगी कि दांत निकालना भूल जाएगी। मेरे दांत बहुत सुंदर हैं। बदतमीज, जब देखो दमादार, तू सर कैसे आई? चल अपने घर चल। चाची चाची जी, चाची दरअसल बात यह है कि आज खाना कम तीखा बना था। खैर मैं तो तीखा खाता ही नहीं हूँ, मेरी अनु को तीखे का शौक है, तो मैंने कहा चल तुझे चाची के तीखे कोसने सुनवा लाता हूँ। अरे भगवान, अरे भगवान मुझे उठा। अरे अरे चाची ऐसा गजब मत कीजिए, अगर आप चली गई तो सन्नाटा छा जाएगा, आपकी वजह से कितनी रौनक है नानू। चाचा जी आप चाची जी से कह दीजिए हमें आपकी जायदाद नहीं, हमें आपकी दौलत नहीं, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। जाओ बेटे। उस्ताद आज आप लोगों का खाना नहीं आया। बदली है ना, इसलिए टाइम का पता नहीं लगा। लीजिए। अरे अनु
तू अकेली आई? गौरी नहीं आई क्या? नहीं आई, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, पड़ी है लिहाफ ओढ़े। कल भीग गई थी ना, हरारत में पड़ी होगी। आओ भैया खाना खा ले, चलो। अनु तू एक काम कर, तू घर चल, मैं खाना बाद में खा लूंगा, ओके? जा बेटा। गौरी गौरी क्या हुआ गौरी? ए गौरी कैसी तबीयत है? बहुत खराब है, जोर जोर दुख रहा है, सर फटा जा रहा है। डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं 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 नहीं, ठीक है मैं सर दबा देता हूँ। हाँ मोहन जब दबाए रहे हो तो जरा मेरी टांगों को भी दबा देना, लगता है कट के गिरी जा रही है। अब कैसा लग रहा है? आह बड़ा आराम मिल रहा है। सर हाथ पांव सब दर्द कर रहा है? हाँ बहुत दर्द हो रहा है। गर्दन दर्द नहीं कर रही? गर्दन? हाँ तो फिर भी दवाई देता हूँ ना। बोल, बहुत तबीयत खराब थी? तबीयत तो बहुत खराब थी, तुम्हारे दवाने से बहुत आराम मिल रहा था। आराम मिल रहा था। ये क्या हुआ? आराम मिल रहा था। बोल, अब बोल। अरे बोल, भागते क्या? करता हूँ मैं कुछ नादानों सी, अब तो मेरी हालत है बस दीवानों सी। बातें करता हूँ मैं कुछ नादानों सी, अब तो मेरी हालत है बस दीवानों सी। दीवाने हो तुम सबको दीवाना बनाते हो, वो थोड़ी देर को आते हो चले जाते हो। सारा दिन सताते हो, रातों को जगाते हो। Oh
आते हो, सारा दिन सताते हो, रातों को जगाते हो, तुम याद बहुत आते हो, तुम याद बहुत आते हो, थोड़ी देर को आते हो, चले जाते हो, तुम याद बहुत आते हो। अरे अनु, ये क्या कर रही है? दिखाई नहीं देता, कार स्टार्ट कर रही हूँ। चाचू तो मुझे घुमाने नहीं ले जाते। और काम कौन करेगा, तू करेगी? अरे काम मैं कर लूंगा, ले जाके घुमा लाओ ना जरा। चलो चाचू मान गए। आ, 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 मैं हरगिज नहीं माना हूँ। हाँ ले जाओ ना, तुम्हें मेरी जान की पसंद। हाँ हाँ, तुम तो यही चाहोगी कि किसी का वक्त पर काम ना हो। वक्त पर काम न हुआ तो गैरेज ठप हो जाएगा, और गैरेज ठप हो गया तो क्या यहाँ मैं बैठकर घुइया चिरूंगा, जमीन बेचनी पड़ेगी। हाँ तुम्हारे पिताजी डालडा घी के चिराग जलाएंगे, क्योंकि असली घी बहुत महंगा पड़ेगा ना। मैं ये चाहती हूँ। अरे बाबा मैं तो मजाक कर रहा था, अब बस भी करो और चलो। मैं नहीं जाऊंगी, मुस्तकबिल में भी नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। मुस्तकबिल? बाप रे बाप, इतना गौड़ा शब्द। ए छटाकी इधर। मुस्तकबिल? हाँ। हो जाए इस पर भी शेर। पहले उसने मुझ कहा, फिर तक कहा, फिर बिल कहा। इस तरह जालिम ने मुस्तकबिल के टुकड़े कर दिए। अरे वाह वाह वाह, अरे अब चलो भी, हिलती नहीं यहाँ से। अरे झटकू आ रही है। अरे अरे मजा आएगा भी। चली याहू। कार मेरे ऊपर चढ़ा लाया साहब। अच्छा, हाथ पांव टूट सकता था। हाँ। 1,00,000 घर जाने का दावा ठोक दीजिए वकील साहब। ठीक है, चुनाव में मेरा विरोध करना बहुत महंगा पड़ेगा उसे। मैं तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। कभी कभार ग्रामोफोन भी बजा लिया कीजिए डैडी। नहीं नहीं, मैं ईंट से ईंट ही बजाऊंगा। आप तो हाथ धो के मोहन के पीछे पड़ गए। हाथ तो धोया नहीं, मगर धो लेता हूँ। देखो तुम्हारे लिए मुझे कितना लड़ना पड़ता है। श्री मोहन लाल श्रीवास्तव, एक मजे की बात सुनो। कल रात जब बाबा खर्राटे ले रहे थे तो मैं अपने उसी मंदिर की तरफ निकल गई और भगवान जी से कहा कि अपना कलम उठाए और मेरे माथे पर तुम्हारा नाम लिख दे। भगवान जी राधा जी की तरफ देखने लगे तो राधा जी तड़ से बोली कि देखो मनमोहन, इसके माथे पर मोहन का नाम उस कलम से न लिखना जिस कलम से तुमने मेरे माथे पर अपना नाम लिखा था। भगवान जी भी मुस्कुराए और कलम उठाकर मेरे माथे पर तुम्हारा नाम लिखने लगे। बाप रे बाप, क्या गुदगुदी हो रही थी। पर मैं सांस रोककर बैठी रही कि जो मैं हिली तो भगवान का हाथ भी हिलेगा और लिखावट गड़बड़ हो जाएगी। क्यों यकीन नहीं आ रहा ना, तब भगवान जी से पूछ लो। तुम तो बस कभी मेरी बात पर यकीन नहीं करते हो। जाओ अंदर जाओ। अब चलो भी। बेईमान कहीं का। कसम से श्यामा, मैं बेईमानी कभी करता नहीं। तुम तो बड़े गुरु घंटाल हो, लेकिन तुमसे तो हारने में भी मजा आता है और जीतने में भी। क्यों 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 फेंक रही हो? हाँ, तुमसे ज्यादा रोनी लड़की तो भगवान अब पैदा भी नहीं कर सकते। साचाई ए, क्या बात है उस्ताद, खुद बेईमानी करने लगी। अब तक ईमानदारी से खेल रही थी तो क्या मिला, ठेंगा, और बेईमानी करते ही हाथ पकड़ लिया। तुमसे तो मैं जिंदगी भर बेईमानी ही करती रहूंगी। हाथ छोड़ो ना। अरे हाथ नहीं छोड़ोगी तो चाल कैसे चलूंगा। बहुत चाल चल लिए, चालबाज कहीं के। क्या हुआ? अरे अरे पागल, हर सांप जहरीला थोड़ी होता है। और इस सांप ने तुम्हें काटने से पहले टेलीफोन कर दिया था ना कि वो जहरीला नहीं है।
अगर मैं मर जाऊं तो? मजाक मत करो, चलो। ठहर जाओ। क्या हुआ श्यामा को? मेरी बेटी को इस हालत में कहां से लाए? हाय भगवान, मेरी बच्ची, क्या हुआ मेरी बच्ची को? इसे सांप ने काट लिया है। तुम ही वो सांप हो। संभालो अपनी बेहोश बेटी को। अरे देखते क्या, डॉक्टर को बुलाओ। इस मोहन ने नाक में दम कर रखा है, जीना दुश्वर हो गया है। हाँ मालिक, आपको पहले ही मोहन को सबक सिखाना चाहिए था। बड़ा रईस बनता है, क्या ढाट है उसके। मैं सब समझता हूँ, मेरी श्यामा पर सांप छोड़ दिया उसने। मैं भी मैं हूँ, बर्बाद कर दूंगा। चक्कर चला रहा श्यामा को फंसाने का, ताकि उससे शादी कर सके। कि मेरे जीते जी ये नहीं होगा। सांप से कटवाता है मेरी बेटी को। आज उसका गैराज तबाह कर दो, समझ गए ना? मैं तो बिल्कुल घबरा गई थी। मैं गैराज जाने वाली थी कि पिताजी आ गए। वो बोले कि तुम घर चले गए। मैंने सोचा कि इतनी रात के तुम्हारे घर गई तो बड़े भैया और भाभी न जाने क्या सोचने लगे। क्या सोचने लगेंगे? अरे भाई, कुछ भी सोच सकते हैं। हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा। कुछ भी सोचने का उन्हें बड़ा शौक है। एक बार तो ये भी सोचने लगे कि ताजमहल दरअसल ताजमहल नहीं, कुतुब मीनार का अंडा है। अंडा? नहीं समझी? नहीं। नहीं समझी? नहीं। समझाता हूँ। ये वक्त न खो जाए, बस आज ये हो जाए। मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। ये वक्त न खो जाए, बस आज ये हो जाए। मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। दिल जल जाएगा। सावन का रास्ता ना देखो, सावन जाने कब आएगा। सावन का रास्ता ना देखो, सावन जाने कब आएगा। बन जाओ तुम बादल, मौसम पर छा जा। मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ।
मेरी आंखों में वादे हैं, तेरे होठों पे कसमे हैं, मेरी आंखों में वादे हैं, तेरे होठों पे कसमे हैं। आ जाओ
भाई, मेरा हाल तो अच्छा है, हाल तो भैया का खराब है। रात भर सोए नहीं, यही रट लगाए रहे कि हम ये शहर ही छोड़ देते हैं। बुखार नहीं हुआ इसलिए पट्टियां भी नहीं बदलता हूँ, गोलियां भी वही चलने दीजिए। अच्छा मैं चलता हूँ। डॉक्टर साहब, हाँ, रास्ते में जाते जाते सीताराम जी को भी देखते हुए जाइए ना। हाँ जरूर देख लूंगा। अच्छा चलता हूँ भाभी। चलिए भाभी। भैया भी बड़े चंट हैं, दूसरों का इलाज खुद करते हैं और मेरे इलाज के लिए डॉक्टर वहीद मिर्जा को ले आए। प्यार जो है, और प्यार कभी कड़वी दवा देने नहीं देता। भाभी, मोहन भैया से भी जयराम जी की कह दीजिए गुप्ता बाबू, वोटर है और फिर चुनाव तो ठीक पता लिखा कार्ड है। देर से आए मगर आएगा जरूर। भाई बहुत अफसोस हुआ, ये तो गुंडी की हद हो गई। मैंने तो तुरंत मुख्यमंत्री को तार भेज दिया कि जिलाधीश और एसपी को फौरन यहाँ से हटा दिया जाए। मैं कहता ना था चिरंकी कि गुप्ता जी जरूर बिजी होंगे, नहीं तो गैरेज की तबाही देखने जरूर आते। मुख्यमंत्री को एक और फोन घुमा दीजिए कि मोहन का गैरेज अशोक स्तंभ की तरह जहाँ गड़ा हुआ है वही गड़ा हुआ रहेगा। क्या कह रहा था रे चिरंकी तू? जमी तल्लाद, जमी तल्लाद। सुना आपने तल्लाद? अरे परसों तो आपके स्वर्गीय दादाजी जाना करते थे, बेचारे गुप्ता जी आए थे हमदर्दी जताने और तू फारसी झाड़ रहा है। इसे फारसी बोलने दो मोहन, मैं भी संस्कृत बोलूंगा। अगर ये सच है तो बड़ी ही बेहुदा हरकत की है उन्होंने। चाचा जी, अगर आप भी गुस्से में आ गए तो कैसे काम चलेगा? नहीं, लेकिन हर बात की एक हद होती है। चुनाव तो श्रीमती गांधी तक हार जाती है तो क्या विरोधियों को फांसी चढ़वाया उन्होंने? लोकतंत्र में चुनाव की हार जीत तो लगी रहती है। मैं जाके बात करता हूँ उससे, मेरी जिंदगी में ऐसी बातें नहीं हो सकती। चाचा जी, इस वक्त मैं आपसे यही कहने आया था कि आप जाकर उनसे बात कीजिए कि अब वो ये झगड़ा खत्म करे। वो वोट मांगेगा, कॉर्पोरेशन में हर काम का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करेगा। मेरे दिमाग में एक और बात है। हाँ। श्यामा और मोहन एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, अगर उन दोनों की शादी हो जाए तो मुझे शक है वो जरूर कोई ना कोई पक निकाल लेगा। मैं रोज कॉर्पोरेशन में भुगत रहा हूँ। आप जरा कह के तो देखिए। मैंने कहा ये क्या मिसकोट हो रहा है मेरे खिलाफ? जी रहने दो, ये चौंचले रहने दो। अच्छा बेटा तुम जाओ, मैं देखता हूँ। जी हाँ। चलो जी, ये केस भी मैं जीत जाऊंगा। अहा, श्री द्वारका प्रसाद जी आ मेरे गरीब खाने पर, पधारिए पधारिए। बाबू रमुआ, अरे बाबू रमुआ, अपनी मालकिन से कह दे कि श्री द्वारका प्रसाद पधारे हैं। मेरा ख्याल है कि एक फोटो भी खिंचवा ली जाए, सनद रहे, अब वक्त पर काम आए। इस वक्त तो रहने दीजिए गुप्ता जी, फोटोग्राफर की दुकान तो अब बंद हो चुकी होगी। पर बात शुरू करने से पहले सुन लीजिए कि वो चुंगी की समस्या पर मैं आपका साथ नहीं दूंगा। मैं इस वक्त चुंगी या सहकारी भंडार की बात करने नहीं आया हूँ गुप्ता जी। बैठिए ना भाई साहब, सरस्वती बहन कैसी है? उनकी जुबान दो एक दिन से जरा दुख रही है। अच्छा, बहुत बुरे आप। भाई यशोदा आदमी को पहचानते खूब है। अपनी मुस्कुराहट को पोस्टपोन कीजिए द्वारका प्रसाद जी, और मतलब की बात कीजिए। मतलब की मैं यहाँ के श्रीवास्तव को अच्छी तरह जानता हूँ, आप किसी गलत से आए होंगे। ये राजनीति बाजार की चीज है गुप्ता जी, उसे घर में क्यों लाते हो? अगले चुनाव में भी मैं आपका विरोध करूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी मोड़ पर मिल ही ना सके। बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ओफो, भाई साहब को पूरी बात तो कहने दो, हवा में लाठी भाड़ने लगते हो। मैं चाहता हूँ भाभी जी कि श्यामा बिटिया की शादी मेरे मोहन से हो जाए। इम्पॉसिबल, नामुमकिन, असंभव। आप चाहते हैं? क्या खूब क्या खूब, आप होते कौन है मेरी बेटी की शादी चाहने वाले?
अब तो ये टिप्पस बिरा रहे हैं कि मेरी बेटी की शादी मोहन से हो जाएगी तो उसे मेरे घर के सामने से गैराज नहीं हटाना पड़ेगा। देखिए देखिए टाउन एरिया की चैवनी का ये मतलब नहीं है कि आप मेरे बराबर वाले हो गए। उस लफंगे मोहन से मैं चिलम न भरवाऊं तो तुम हुक्का पीते कहाँ हो? हुक्का नहीं पीता तो शुरू कर दूंगा। देखिए गुप्ता जी मैं देख रहा हूँ, आप वो दरवाजा देखिए वो बाहर जाता है, चले आए पैगाम लेकर। अरे मैं कहती हूँ गुप्ता जी मेरे ख्याल से आप श्यामा से पूछ लेते तो अच्छा होता। साहब मैं उसका बाप हूँ, वो मेरी बेटी है, दिल चाहेगा तो मैं पूछूंगा, दिल चाहेगा तो मैं नहीं पूछूंगा। श्यामा को चुंगी का रजिस्टर नहीं है कि आप चले आए साइन करने। जाइए जाइए। लगता है आप चुनाव को अपनी बेटी से ज्यादा चाहते हैं। नमस्कार। वहीं से आ रहा हूं। क्या बोले? वही जिसका डर था। मोहन को मत बताना, उसे खामखा बहुत दुख होगा, और अपनी चाची को तो हवा मत लगने देना इस बात की। कंबक ने शादी से साफ इनकार कर दिया है। अरे सोहन के लिए नहीं लाई? जी मैंने चाय कम कर दी है, अच्छी चीज नहीं। तुम डॉक्टर लोग। मोहन तुम्हें हो क्या गया है? इस तरह उदास बैठने से गराज कैसे चलेगा? हाँ देखो तुमने आज भी खाना नहीं खाया, तुम्हें यहाँ से हटूंगी नहीं। हाँ जब तक ये गैरेज बन न जाए न मैं खाना खाऊंगा न मैं पानी पीऊंगा। तेरी खाने या न खाने से गैराज कैसे बनेगा? तूने मेरे हाथों से खाना नहीं खाया तो समझ लो मैं तेरे लिए मर गई हूँ। ओफो रुपयों का बंदोबस्त हो गया? नहीं कोई भी देने को तैयार नहीं। तब तो सिर्फ उदित नारायण जी का ही दरवाजा रह गया है। वो भला क्यों देंगे, वो भी इस झगड़े की जड़ उसी गैराज की मरम्मत के लिए। कहकर तो देखो मुझसे मोहन का उतरा हुआ मुंह नहीं देखा जाता। ठीक है अगर तुम कहती हो तो कल उनके पास जाकर भी देख लेता हूँ। हाँ सोहन लाल जी। नमस्ते। ठहरो ऊपर आने की तकलीफ मत करो सोहन लाल, मैं कह चुका हूं श्यामा और मोहन की शादी नहीं होगी। जी मैं वो बात करने नहीं आया, मैं दरअसल अब बोलो। मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। तुम्हें पैसों की जरूरत है? जी हाँ। मगर पैसे तो है नहीं। देखिए आप मेरा घर गिरवी रख लीजिए। तुम एक काम करो तुम इचौवन्नी ले लो, मैं तुमसे इस पर सूद भी नहीं लूंगा। तुम तो महावीर सा गुरचरण सा सबका दरवाजा झांक कर आ रहे हो तो तुम्हारे उस फर्नीचर घर पर 65,000 रुपया कौन देगा भला? मैं ऑल इंडिया मनी लेंडर्स एसोसिएशन की जिला कमेटी का अध्यक्ष हूं। यहां अगर किसी चवन्नी को जुकाम भी हो गया तो मुझे पता चल जाता, क्या समझे? अशरफीलाल बट यानी किंतु तुम मेरे दुश्मन हो इसलिए तुम्हें जलील करने के लिए मैं तुम्हें कर्ज दूंगा। अशफीलाल जी साहब आप हैं डॉक्टर सोहन लाल जी? जी गैराज वाले मोहन का बड़ा भाई। जी साहब इनका घर गिरवी रख के 65,000 दे दो। बहुत जाओ अशफीलाल के साथ, पर मैं 3 महीने से ज्यादा के लिए नहीं दूंगा। अशफीलाल 3 महीने का सूद काट लेना, 3% मंथली यानी 5,850। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये तो मैंने तुम्हें दिया ही नहीं था, अदा क्या करोगे? तुम ये कर्ज अदा करने की कोशिश में क्या कहते हैं जुट जाओ, ये कर्ज अदा करने की कोशिश में जुट जाओ। जी हाँ। Thank you.
लोग जल गए, जाने क्या बात हुई साथी, छाती पे तीर चल गए। जल गए, जाने क्या बात हुई साथी, छाती पे तीर चल गए। लोग जल गए, जाने क्या बात हुई साथी, छाती पे तीर चल गए। गुस्सा उन्हें आ गया, हमको मजा आ गया। हो गुस्सा उन्हें आ गया, हमको मजा आ गया। यूं डगमगाए कदम जैसे नशा छा गया, इस दिल के सारे अरमान निकल गए। अरे भाई लोग जल गए, जाने क्या बात हुई साथी, छाती पे तीर चल गए। लोग जल गए, जाने क्या बात हुई साथी, छाती पे तीर चल गए। जल गए, जाने क्या बात हुई साथी, छाती पे तीर चल गए। लोग जल गए, जाने क्या बात हुई साथी, छाती पे तीर चल गए। धनवान देखे जरा, ये खेल भगवान के हो। धनवान देखे जरा, ये खेल भगवान के। रहते नहीं एक से हालात इंसान के, इनको बदलना था ये बदल गए। अरे भाई लोग जल गए, जाने क्या बात हुई साथी, छाती पे तीर चल गए। वो देखो वो किधर, वो उधर वो वहाँ, हाय 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 हाय। लोग जल गए, जाने क्या बात हुई साथी, छाती पे तीर चल गए। लोग जल गए, जाने क्या बात हुई साथी, छाती पे तीर चल गए। कान में से रुई निकाल लो, गाना खत्म हो गया है। क्या मुझे से रुपया लिया
अब मुझे को कवाली सुना रहे हैं और अपनी सुपुत्री वहां तालियां बजा रही है। आइए आइए पधारिए यशोदा, कुमारी श्यामा गुप्ता से मिलो। नमस्कार। नमस्कार। यू एनिमी ऑफ योर फादर, खुद अपने पिता के दुश्मन, वहां तालियां बजा रही थी तू। आई मीन मैं ताली इसलिए बजा रही थी क्योंकि मोहन की खुशी मेरी खुशी। श्यामा बेटी। नहीं मम्मी, बहुत हो गया। आपको ये जानकर खुशी नहीं होगी डैडी, फिर भी आपको बता देना मेरा फर्ज है क्योंकि आफ्टर ऑल आप मेरे पिता हैं। क्या खूब, क्या खूब। आफ्टर ऑल है तो लगे हाथ ये भी बता दीजिए मुझसे पहले कौन कौन आपके पिता हैं। आफ्टर ऑल आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत खराब हो गया डैडी। मेरी वो बात फिर भी सुनिए, मैं मोहन से शादी करूंगी। इम्पॉसिबल, यानी क्या संभव? मेरे जीते जी वो लफंगा मेरा दामाद नहीं बनेगा। वो आपके जीते जी ही आपका दामाद बनेगा। थैंक यू। कल तुम अपने पति या अपनी माँ के साथ आना। हाँ, कई बातें समझानी हैं। पहला बच्चा है ना। क्या हुआ? इतना घबराने की कोई बात नहीं। माँ बनना बड़ी जिम्मेदारी का काम है डॉक्टर साहब, बात से बातें सोचनी पड़ती है। परेशान मत हो, कल आना जरूर। हूँ, और अपने पति या माँ को भी जरूर साथ लाना, समझी? जी। नमस्ते, नमस्ते। कल तुम अपने पति या माँ को भी जरूर साथ लाना, कई बातें समझानी है। पहला बच्चा है ना, पहला बच्चा है ना। श्यामा से कहूँ कैसे कि डॉक्टर साहब ने बुलाया है। श्यामा से कहती हूँ कि वही अपने जीजा से बात करें। और क्या, जीजा तो कहना ही पड़ेगा। मुखड़े से निकलता है। चांद तो तेरी आंखों में भी है। क्या बात है? बात तो कुछ ऐसी है कि सुन के तेरी तबीयत झक हो जाएगी। हाँ? पर पहले तू अपनी सूरज का राज बता। गौरी, मोहन से मेरे ब्याह की बात चल रही है। द्वारका प्रसाद जी रिश्ता लेकर आए भी थे, डैडी ने इनकार कर दिया। लेकिन जब मैं डैडी को बताऊंगी कि मैं मोहन से प्यार करती हूँ तो वो तड़ से मान जाएंगे, जीने का मजा आ जाएगा। सर सोच गौरी, जो सपना मैं कब से देखती आ रही थी अब पूरा होगा। अब तू भी किसी से प्यार कर डाल। प्यार बड़े मजे की चीज होती है, मिलने का मजा और बिछड़ने का मजा और। अरे अरे, अब तू इस पर लड़ाई मत शुरू कर देना कि मैंने आज तक ये बात तुझसे छुपाई क्यों। पगली, लड़ूंगी क्यों? प्यार की बात छुपाने का भी अपना एक मजा होता है। ये हुई ना बात। अब तू अपने चांद की खैर खबर सुना। अभी घर बैठे बैठे एकदम से ख्याल आया कि तेरी शादी मोहन से हो जाए तो कैसा मजा आए। जूते चुराने के 500 से कम थोड़े ही लूंगी मैं। गांठ में 500 रुपए आए तो ख्याल ही पुलाव पकने लगा, ये लूंगी और वो लूंगी। सच बात सुन ले श्यामा की बच्ची, अगर तूने मोहन से शादी न की तो मेरे 500 डूब जाएंगे। हाँ, अरे तेरे 500 रुपए डूबेंगे कैसे? महाजन की बेटी हूँ, सूद समय दिलवाऊंगी। लेकिन एक बात कान खोल के सुनो। खोल कान। मेरे ब्याह का सारा इंतजाम तुझी को करना पड़ेगा। कम से कम एक महीना पहले तू यहाँ आ जाएगी, मुझे अपने हाथों से दुल्हन बनाएगी। बड़ा मजा आएगा ना। फेरे के वक्त भी मेरे पास ही खड़ी हो ना। मैं तो तेरी परछाई हूँ रे, जीवन भर साथ लगी रहूंगी। ये
शरीफों की बस्ती में रहने लायक नहीं हूँ। निकाल बाहर करो इसे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये लोग कौन है? मेरे पड़ोसी है, मेरी जान लेने आए हैं। घर जाइए और किसी अंधेरे कोने में बैठ के अपने अपने पापों का हिसाब कीजिए। हम इसे मार डालेंगे। मार कर तो देखो, हिम्मत है तो मार के देखो। ये लोग गैर थे, पत्थर मार के चले गए, पर मैं गैर नहीं हूं। पत्थर मार के चले जाने के लिए नहीं आई हूं। मैं ये कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी और अपनी दोस्ती की रामायण पर तू अपने पाप की इतनी बड़ी गाली लिख देगी। श्यामा, तू भी श्यामा, तूने तो प्यार किया है, तू तो प्यार करती है। मत मिला अपने गंदे घिनौने पाप को मेरे प्यार से। प्यार दिल के आंगन में चांद बन के उतरता है, पाप बन के कोख में हाथ पांव नहीं निकालता। श्यामा, ये पाप नहीं है, ये पाप नहीं है। तभी दुनिया थू थू कर रही है। मुझे तो बता, वो कायर कौन है जो तेरे माथे पे ये कलंक लगाकर भाग गया? मैं उससे दो चार पत्थर मार के अपने दिल की भड़ास तो निकाल लूं। कौन है वो? ये वही चांद है जो दिल के आंगन में उतरता है और जीवन के सारे सपने जिसके चांदनी में नहा जाते हैं। कविता नहीं गौरी, जीवन की बात कर। यही कविता तो मेरा जीवन है। अच्छा, तू मुझे उस चांद का नाम बता, मैं ग्रहण लगाती हूँ उसे। मेरे जीते जी कोई तेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। खिलवाड़ उसने नहीं किया है, खिलवाड़ कर रही है किसी से मेरे प्यार की मजबूरी। किसी को बहुत चाहो तो उसे कुछ या सब कुछ देने को जी नहीं चाहता श्यामा, जैसे तुम मुझे दिन रात कुछ न कुछ देती नहीं रहती। मेरी तेरी बात और है। अरे पगली, तू मुझे उसका नाम बता, मैं उसे मजबूर करूंगी कि वो तुझसे ब्याह करे। दिया तो वो मुझसे अभी इसी दम कर ले श्यामा, मैं उसे ब्याह नहीं करना चाहती। क्या? अच्छा नाम तो बता। मैं तो उसका नाम अपनी तन्हाई के सामने भी नहीं लेती। मैं तेरी तन्हाई नहीं, तेरी दोस्त हूँ। अगर तूने मुझे उसका नाम नहीं बताया तो मैं जिंदगी भर तेरी सूरत नहीं देखूंगी। हे भगवान, मुझे शक्ति दो। नहीं देगा, कभी नहीं देगा। मैं मांग के देख चुका हूँ, इसके अपने चक्कर हैं। मांगने से कुछ नहीं मिलता, वही देता है जो देना चाहता है। सुखदेव, तुम आखिर मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? थोड़ी सी धूप, थोड़ी सी चांदनी तो सभी को चाहिए ना। कभी सुखदेव से भी कुछ कह के देखो। अरे जिंदगी नहीं देती तो ना दो, पर मर जाने का मौका तो दो। मैं तो खुद बड़ी मुश्किल में हूँ पागल, न जी पा रही हूँ न मर पा रही हूँ। आजकल गौरी क्यों नहीं आती सीताराम जी? हम इधर कुछ दिनों से देख रहे हैं जैसे उसे कुछ हो गया है। तबीयत को पूछते हैं तो कहती है कि ठीक है, कुछ समझ में नहीं आता। गौरी, अरे गौरी सुनो, गौरी गौरी, चुप रहने की, मुझसे कतराने की कोई तो वजह होगी। मैं कतरा कहाँ रही? खेचो मत, सीताराम जी भी यही कह रहे थे कि तुम्हें कुछ हो गया है। होगा क्या? मिसाल के तौर पर तुम्हें शक हो सकता है मेरे प्यार पर, कि शायद जो कुछ हुआ उसके बाद मैं बदल जाऊंगा। शायद मैंने प्यार नहीं पाप किया है। गौरी, मैंने तुमसे प्यार किया है। मैं आज ही बड़े भैया और भाभी से अपनी और तुम्हारी शादी की बात करता हूँ। गौरी, गौरी, जूता चुराने के 500 तो डूब गए थे। मेरा दुख भी कमाल का है, सभी खुश हो जाएंगे। डैडी से तो जब मैं ये कहूंगी कि मुझे कभी मोहन से प्यार ही नहीं था, तो खुशी से पागल ही हो जाएंगे शायद।
आप जरा बाहर जाकर बैठिए, मुझे आपके डैडी से कुछ बातें करनी है। आई एम सॉरी गुप्ता जी, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं आपसे कैसे कहूं। बोलिए ना, क्या बात है? मैं आपको अंधेरे में रखना नहीं चाहता। ये सब रिपोर्ट्स देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आपकी बेटी श्यामा को लंग कैंसर है। अब उसकी जिंदगी के दिन बहुत कम है, उसे आराम की सख्त जरूरत है। खट्टी और मिर्च की चीजें देना बंद कर दीजिए, और ये जो दवाएं मैं लिखकर दे रहा हूं, ये दवाएं उसको बराबर देते रहिए। बाकी भगवान के हाथ। डॉक्टर क्या कह रहे थे डैडी? कुछ नहीं बेटी, डॉक्टर ने कहा है मामूली बीमारी, जैसे आई है वैसे चले जाएगी। मेरी श्यामा को कुछ नहीं हुआ ना? डॉक्टर साहब ने क्या कहा? डॉक्टर साहब ने कहा है कि घबराने की कोई बात नहीं। मैं तो पहले ही कह रही थी, अरे भाई जिस बेटी के सर पे आप जैसी चाहने वाली माँ और डैडी जैसे चाहने वाले पिता के आशीर्वाद की छांव हो, उसे भला कोई घबराने वाली बात हो कैसे सकती है? मेरा तो डर के मारे दम निकल गया था। तो अब निकले हुए दम को अंदर कर लीजिए मेरी मम्मी। मैं अभी आती हूँ। ए रामदैया, अरे कहाँ मर गई? जी मालकिन। रामदा से कहो 50 ब्राह्मणों के खाने की तैयारी करे। है जी। देख श्यामा की बच्ची, मेरा कहना मान, नहीं तो तेरा खड़ूस बाप तेरी जिंदगी तबाह कर देगा। और कौन सा कहना मानू तेरा? तू मोहन के साथ रफू चक्कर हो जा, यानी कि तू उसके साथ भाग जा। पहले तो तेरा बाप फिल्म में डायलॉग मारेगा कि मेरी बेटी ने खानदान की नाक मोबाइल ऑयल में डुबो दी। बाद में ठीक हो जाएंगे। अरे हाँ, तू मुझे ये बता कर जाना कि तू भागकर कहाँ जाएगी, नहीं तो मैं यहाँ बैठी बैठी खौल खाती रहूंगी। मेरा तो दुनिया ही से भागना ठहर गया है, मुझे लंग कैंसर है। क्या? देख मजाक मत कर। हाँ सच करी, डॉक्टर ने यही कहा है कि मुझे फेफड़ों का कैंसर है। अब मेरी जिंदगी के दिन बहुत कम है। तुझे कैंसर है, तेरी जिंदगी के दिन बहुत कम है। नहीं 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 श्यामा, एक बार कह दे कि ये सब झूठ है। बोल श्यामा, तुम मुझसे मजाक कर रही है ना? देख देख श्यामा की बच्ची, अगर ये सब सच है ना, तो तुझसे पहले मैं दुनिया छोड़ दूंगी। हाँ तेरा दिल तो बड़ा कमजोर निकला, मेरे मरने की खबर सुन के तो तू मर ही जाएगी। ना बाबा, मैं नहीं मरने की। अब सीधा कर मुंह, न कैंसर न वैंसर, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। खा मेरी कसम। मिर्च तो खिलाती नहीं, कसम खिला रही है। देख अगर कैंसर वाली बात झूठ है तो ये मिर्च खा के दिखा। तेरे लिए मिर्च तो क्या, जहर भी खाने को तैयार हो। तू जहर मेरे हिस्से में रहने दे, पहले मिर्च खा। खाना अब कभी ऐसा मजाक किया तो मैं जिंदगी भर तुझसे बात नहीं करूंगी। हाँ जब तुम बात ही नहीं करोगी तो मैं जिंदा क्यों रहूंगी भला? आपके जन्माष्टमी का क्या प्रोग्राम है? खूब नाचेंगे गाएंगे, बड़ा मजा आएगा। देखिए धनुलाल जी, ये सारे गहने पुराने फैशन के हैं, इन्हें गला के नए गहने बनाइए। मेरी तो राय नहीं है, क्योंकि ये पुराने फैशन की चीजें ही अब फैशन में हैं। अब आप जरा पिटिया से पूछ लीजिए। कैसे हो धनुलाल? ये सब तुम्हें तो होश नहीं है ना अपने लिए भी से, मगर मुझे तो श्यामा का दहेज तैयार करना है। और अभी से सुन लो, कम से कम 1000 तोला सोना दूंगी और जड़ाओ गहने अलग। श्यामा से पूछ ही लें पहले, आप चलिए। श्यामा कहाँ है? गौरी से मिलने गई है। ये तुम हर वक्त हलक के दारोगा मत बने रहा करो कि किसी ने गौरी या मोहन का नाम लिया नहीं कि तुम खड़े हो गए बंदूक तान के। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं था यशोदा। अब मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अब मैं श्यामा को कभी नहीं डांटूंगा, और डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद आज तक मैंने किसी बात पर उसे डांटा। डॉक्टर की बात क्यों निकाली तुमने इस वक्त? ये बात श्यामा को मालूम नहीं, और मालूम होना भी नहीं चाहिए। उसे लंग कैंसर है।
क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, हाय मेरी बच्ची। नहीं नहीं, रोगी तो उसे पता चल जाए, जब तक है खुश रहे, उस पर रोने के लिए तो हम लोगों की सारी जिंदगी पड़ी है। और मैं उसके बच्चों के सपने देख रही थी, उसका दहेज बना रही थी। ए, उसे जल्दी से ब्याह दो, अरमान तो निकाल लूं, दहेज के साथ साथ चिता की लकड़ी भी खरीद लेंगे। क्या पता कि गले में मंगलसूत्र पड़ जाए तो यमराज को भी दया आ जाए। तुम ठीक कहती हो, मोहन को चाहती है ना, उसकी खुशी के लिए भूल जाता हूँ अपनी नफरत। डैडी ठीक है, मामी की आंखों को क्या हुआ? ये माओ का पुराना शौक है, बेटी की शादी की तैयारी भी करती हैं और रोती भी रहती हैं। मैं अभी आया। ये फैंटास्टिक गहने कहाँ छुपा रखे थे मम्मी? कुछ मेरे हैं, कुछ तेरी दादी परदादी के। जरा ये पहनाइए ना मुझे। पागल हुई है? पहनाइए ना प्लीज मम्मी। Oh,
जी मालकिन। डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। ने कह दिया कि घबराने की कोई बात नहीं, पर घबराने की बात है। मैं डॉक्टर हूं, जब तक वो सांस ले रही है मैं दवाएं देता रहूंगा। श्यामा अगर मेरी बेटी होती तो उसके लिए मैं रोना शुरू कर चुका होता। उसके पास खुश रहने के लिए ज्यादा वक्त नहीं। देखिए, उसकी जितनी ख्वाहिशें हैं वो सब तो पूरी नहीं हो सकती, मगर थैंक यू डॉक्टर। उदित नारायण जी, बैठिए 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 ना, बैठिए बैठिए। आप चाय लेंगे या कॉफी? जो मर्जी हो। सावित्री, उदित नारायण जी हैं, जरा चाय बना के ले आना। अरे दुल्हन, इस वक्त चाय किसके लिए बना रही है जी? बाहर श्यामा आंटी के डैडी आए हैं। छठीदा, श्यामा आंटी और मेरे चाचू के ब्याह की बात करने के लिए। हाँ। और छठीदा, वो चम्मच रख दीजिए। ये ट्रे बाहर ले जा। अरे इतनी बड़ी ट्रे कैसे लेके जाएगी, मैं लेके जाती हूँ। एक दिन चाचा जी यही रिश्ता लेकर आपके दरवाजे पर गए थे और आपने इनकार कर दिया था। आज आप यही रिश्ता लेकर मेरे दरवाजे पर आए हैं और मैं मना कर रहा हूँ। इस रिश्ते के नसीब में इनकार ही लिखा है उदित नारायण जी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। कैसी हैं आप? दया है आपकी। चीनी कितनी डालूं? दो चम्मच प्याली में चाय डालने से पहले और दो चम्मच प्याली में चाय डालने के बाद। सरस्वती बहन, तुम तो जानती हो मैं लखपति हूँ, तो मेरी ख्वाहिश है कि हम दोनों की जायदाद देकर मोहन को इस शहर का सबसे बड़ा अमीर बना दे। सोहनलाल, तुम अपनी चाची से भी राय ले लो। मोहन पर तो इनका भी थोड़ा बहुत हक है। तुम्हारे चाचा जी ने मोहन को बाकायदा गोद लिया था। कायदे से रिश्ते की बात लेकर तो मुझे भाई द्वारका प्रसाद जी के पास ही जाना चाहिए था। भाभी जी, एक चम्मच चीनी और डाल दीजिए। जी अच्छा। सुनो, तुमने मोहन को गोद ले लिया, ये बात मुझसे छुपाई क्यों? अरे भाई, मुझे पढ़ने दो। आग लग जाए मुझे तुम्हारी किताबों को। मैं एक बच्चे के लिए तड़प रही हूँ। बाजू वाले घर में मेरा बच्चा जवान हो गया है, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। अरे क्यों तमाशा कर रही हो? तमाशा? मेरी ममता को तमाशा कहते तुम्हें शर्म नहीं आती है? अभी जाके मेरे बच्चे को ले आओ। सरस्वती, जब वो 3 साल का था तभी भैया से मैंने उसे ले लिया है। तुमने तो मुझे बताने भी नहीं दिया कि मैंने उसे गोद लिया है। अपने उदित नारायण और सीताराम गवाह हैं, पर तुमने जमीन आसमान एक करके उसी रात को बच्चे को लौटा दिया था और अब ममता की गंगा बनी खड़ी हो। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, खाना लगाओ जल्दी। खाना तो मैं लगा देती हूँ, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो। सवेरे तक अगर मेरा बच्चा नहीं आया तो मैं सनका खाकर मर जाऊंगी। सुना तुमने? हैप्पी बर्थडे डियर चच्चू। थैंक यू डियर। मेरा प्रेजेंट किधर है मोहन? हाँ लवली, चलो भैया बुला रहे। ना 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 ना, आज का दिन कुछ और है, ऐसे काम नहीं चलेगा। और ये तेरे लिए। थैंक यू भैया। अरे तू सिर्फ भाई थोड़े ही है, तू तो बेटा भी है। तभी तो मैं अनु की पैदाइश पर बहुत खुश हुआ कि बेटा नहीं हुआ, नहीं तो मेरा तेरा प्यार बांटने की कोशिश करता। मोहन, सावित्री, जा। अपने भैया से कुछ प्यार बचा हो तो मैं भी यहाँ खड़ी हूँ। अरे भाभी। भगवान करे तुझे मेरी उम्र लग जाए। मोहन, भगवान तुझे बहुत लंबी उम्र दे बेटा, तुझे ये ऐरे गैरों की उम्र लेने की क्या जरूरत है जब तुम्हारे अपने हैं उम्र देने वाले। हाँ
चाचा जी। जीते रहो बेटा। हाँ हाँ, जरा जी लगा कर आशीर्वाद दो। ये क्या कि मक्खी उड़ा दी। चलो बेटा, अब तुम अपने घर चलो। ओहो बेटा, तुझे किसी ने बताया नहीं होगा, तेरे चाचा तुझे गोद ले चुके हैं। अरे फूटते क्यों नहीं मुंह से मोहन को लेने आए हो? देखती हूँ कौन ले जाता है मेरे चाचू को। मैं नहीं जाने दूंगी अपने चाचू को। पड़ी आई नहीं ले जाने देने वाली, बित्ते भर की छोकरी और साढ़े सात गज की जबान। मैं भी देखती हूँ मुझे कौन नहीं ले जाने देता है। लोग तो इसलिए नहीं ले जाने देंगे ना कि मेरा बेटा चुंगल से निकल जाएगा तो अपने हिस्से का हिसाब मांगेंगे ना। चाची बोल मेरे लाल। चाचा जी ने मुझे गोद लिया था या नहीं लिया था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यही रहूंगा। लक्ष्मण अपने राम से कभी अलग नहीं होता। क्यों चाचा जी? ठीक है बेटा, कभी अलग नहीं होता। ये ठीक ही तो कह रहा है सरस्वती। क्या ठीक कह रहा है? इतना समझा बुझा के घर से लेकर आई थी, यहाँ आकर मुँह में घूंघर रखकर खड़े हो गए। कब से कह रही हूँ मेरे बच्चे को घर ले आओ, मेरे बच्चे को घर ले आओ। बस तुम इसी बात पर अड़े रहे कि उसको थोड़ा सा बड़ा होने दो। अब तो बड़ा हो गया है। बरसों से भाई और भावा जिसके कान भर रहे हैं और ऊपर से लगा दिया इस फितनी को इसके पीछे। क्यों भेजेंगे, कैसे भेजेंगे? हराम का माल जो ठूस रहे हैं। चाचा जी आप चाची को समझा दीजिए, नहीं तो भैया और भाभी के खिलाफ बोलने वाले का मुंह तोड़ दूंगा मैं। बदतमीज, यही तरीका है बड़ों से बात करने का? तो है कौन जाने से इनकार करने वाला? क्या तू यही चाहता है कि आसपास वाले ये कह दे कि तेरे हिस्से के हजार दो हजार रुपयों के लिए हम लोगों ने तुझे बेच डाला है? हाँ जरा होश में आओ दुल्हन, कहाँ हजार दो हजार रुपए में टरका रही हो? चाची अगर चाची जी ने मुझे गोद लिया है तो फिर मेरा हिस्सा कैसा? मोहन भैया, आप चाहे मुझे जान से मार डालिए पर मैं आपके चरण छोड़कर नहीं जाऊंगा। तू अपने आप को लक्ष्मण कहता है और भाई की बात नहीं मानता। देख मोहन, अगर मैंने तुझे भाई की तरह चाहा है और बाप की तरह पाला है तो आज मैं अपनी मोहब्बत सारे लाड प्यार का दाम मांगता हूं। तू चाची के साथ चला जा मोहन, चला जा। और जो नहीं गया तो समझ ले तेरे लिए तेरा भाई मर गया है। भैया तू चला जा मोहन। ठीक है, मैं चला जाता हूं भैया। चच्चू चच्चू तुम चले गए तो मुझे नींद कैसे आएगी चच्चू? फन्नो ये बात तू अपने बाबा से पूछ। भाई साहब, मैं वो रिश्ता स्वीकार करने आई हूँ जो सोहन ने ठुकराया था। भला वो कौन होता है इनकार करने वाला? मोहन मेरा बेटा है और आज तो मैं उसको अपने हाथ से पकड़ कर घर पे लेके आई हूँ। जरा शादी का इंतजाम जल्दी करेंगे। जरूर जरूर। सुनिए। हाँ जी। ये भी लेती जाइए। जी नहीं साहब, आपने मुझे क्या समझाया? मैं तो पहुंच, मैं चली। एक घंटे से चुप बैठी हो। जिंदगी को चुपचाप गुजरते देखना सीख रही हूँ मोहन। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुमसे एक बात कहूंगी, तुम्हें माननी पड़ेगी। तुम तो कोई दुखदाई बात कह नहीं सकती। कह भी सकती हूँ। कह के देखो। तुम मानोगे तो श्यामा से शादी कर लो। कभी नहीं। जनाब नदी में डूब जाने वाले शायद किसी और मिट्टी के बने रहे होंगे। ना मैं सोनी हूँ ना तुम महिवाल। महिवाल सोनी को बचाते बचाते डूब गया था। उसने सोनी को छोड़कर किसी श्यामा से शादी नहीं कर ली थी। मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम श्यामा से शादी करोगे? कभी नहीं। तुम्हें श्यामा से शादी करनी ही पड़ेगी। गौरी 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 रुक जाओ। Hurry!
खून बहुत बह गया है, खून देना पड़ेगा। तो दीजिए ना डॉक्टर साहब। लेकिन ए नेगेटिव ग्रुप हमारे ब्लड बैंक में है ही नहीं। मेरा ब्लड ए नेगेटिव है। गुड। लेकिन आप कोई और इंतजाम कर लीजिए। शमा डॉक्टर साहब आप मेरा खून टेस्ट कीजिए। आइए। शमा गौरी तुम्हारी सबसे प्यारी सहेली है और तुम खून देने से इनकार कर रही हो। खून कोई बनारस की साड़ी नहीं है जो मैं बांटती फिरूं। क्या कहा? अरे भाई कोई जबरदस्ती नहीं है, मेरा खून है, नहीं देती। अगर गौरी को कुछ हो गया ना श्यामा तो मैं अपने हाथों से गला घोट कर मार डालूंगा तुम्हें। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हें अपना थोड़ा सा खून गौरी की जान से ज्यादा प्यारा है। आपकी बेटी को तो किसी न किसी तरह बचा लिया है, लेकिन बच्चा मुझे बहुत अफसोस है, पर वैसे तो गौरी बिल्कुल ठीक ठाक है। भगवान ने चाहा तो उसके और भी बच्चे होंगे, मगर गौरी बहुत कमजोर हो गई है, उसे आराम की सख्त जरूरत है। गौरी हम सारे मोहल्ले का चक्कर लगा के आ रहे हैं, सब सो चुके हैं, अब बता दे हमें इसके पाप का बोझा गिरा है अस्पताल में। देख हमें गुस्सा मत दिला, आज तक पानी के सिवाय कुछ नहीं पिया है, लेकिन हम आज एक खून जरूर पिएंगे जिसने हमारे खानदान की आबरू को गाली दी है। बोल, हम कह रहे हैं बोल, बोल नहीं तो खोद के गाड़ देंगे इसी आंगन में। कौन है वो? अरे कुतिया बोलती क्यों नहीं, कौन है वो? ना बोलेंगे। नहीं बोलेगी ना। नहीं बोलेगी, नहीं बोलेगी। अरे भाई खाना कम खा रहे हो, पानी ज्यादा पी रहे हो। वहाँ तो पानी से ही पेट भरता रहा होगा ना। जी नहीं, बड़ी आई थी मेरे चाचू को छीन ले आने वाली, इतना भी नहीं जानती कि मेरे चाचू तीखा नहीं खाते, मक्खन नहीं दिया। खाओ, हम रोज दिया करेंगे मक्खन। क्यों भीगी मेरी कटोरी? जबान चलाती है। ये क्या किया आपने? नहीं नहीं नहीं, नहीं बस, बस 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 बाबा बस रानी बस। क्यों मारा इसे? मैं ऐसे हजार बार मारूंगी, तुम चुपचाप बैठकर खाना खा लो। तुम्हारी भाभी ने हमें जलील करने के लिए मक्खन भिजवाया, क्या हमारे घर में मक्खन नहीं छोड़ता? और ये चुड़ैल अगर फिर यहाँ आई तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगी। हाथ लगाकर दिखाइए। क्या करेगा, मारेगा मुझको? मेरी अन्नू को जो भी हाथ लगाएगा उसके मैं हाथ पांव तोड़ दूंगा। मोहन क्या बदतमीजी, आप मुझे को डांटते हैं, इस ततैया मिर्च के थैले को कुछ नहीं कहते, मेरी अन्नू को क्यों मारा इसने? बड़ा आया अन्नू वाला, तू क्यों यहाँ आए मक्खन लेकर? फिर आए तो चाची से पहले मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, तू घर जा। एक बात कान खोल कर सुन लो मोहन, चाची को मां समझना सीखो। अगर फिर कभी तुमने चाची से जबान लड़ाई तो मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा। तू क्या लाट साहब है क्या, मिर्च भरा खाना नहीं खा सकता? अरे खाना तो खाते जाओ। अम्मा मेरा चच्चू भूखा चला गया, हम खाना ले जाएंगे चच्चू के वास्ते। हाँ बेटा जरूर ले जाए। अम्मा बाबा से कह दो हम उनसे नहीं बोलते, और अगर चच्चू को डांटा तो हम गुस्से में मर भी जाएंगे। नहीं बेटे नहीं, तू जा।
जी उस्ताद, बेटा बेटा मुझे अपने मरने का दुख नहीं है, लेकिन लेकिन मेरी मौत के बाद गौरी गौरी का क्या होगा? आप गौरी के बारे में बेफिक्र रहिए, गौरी मेरी है और मेरी होकर रहेगी। सीताजी भाभी, अब मैं बाबूजी को कहां पाऊंगी? बच्चों जैसी बात नहीं करते गौरी, बहादुर बनो। सीताराम जी इतने ही दिनों के लिखा के आए थे। तुम्हारे बड़े भैया कह रहे थे कि सीताराम जी की जगह अब वो है, इसलिए तुम यहीं रहना हमारे साथ। नहीं भाभी, बाबूजी की आत्मा भटकती भटकती उधर आ निकली तो घर में अंधेरा देखकर घबरा जाएगी। देखो गौरी, मेरा कहा सुनो, आखिर एक दिन तुम्हें मोहन की बहू बनकर यहीं आना है। ये कहा? आजी, मैं तो दीवार से कान लगाए खड़े सुन रही थी, और वो तो गौरी पे इस तरह से निछावर हो रही थी कलमुई। गौरी, तू इस तरह से क्यों घबरा रही है? देखो, मैं मोहन से बात करती हूँ। अगर मोहन की शादी होगी तो सिर्फ तुम्हारे साथ होगी, और अगर वो गुप्ता अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझता है तो उससे जाके कहो कि अपने बड़प्पन को ले जाके अपने आंगन की धूप में सुखाए। अरे ये तो सुनते ही मेरा कलेजा धक सा हुआ और मैंने फौरन रिक्शा पकड़ा और मैं यहाँ पहुँच गई। अच्छा किया। आजी मैं तो कहती हूँ कली पढ़वा लीजिए फेरे आप, न रहेगा बांस और न वो बजाएगी मोहन की बांसुरी। उसको बस इसी बात की जलन है ना कि मोहन की शादी बहुत बड़े घर में हो रही है। देखने में तो बड़ी सीधी शादी लगती है। सीधी लगती है, ततैया मिर्च है ततैया। परेशान न हो, सोहन को सीधा करना अब मेरा काम है। बाबू सोहन लाल। खाली बाबू सोहन लाल नहीं, बाबू सोहन लाल जी। जी पर जोर दो। बाबू सोहन लाल जी, सेठ जी घर पे कब्जा लेने आए हैं। जयराम जी की, डॉक्टर सोहन लाल जी, क्या इरादा है? पैसे देंगे या कब्जा? कब्जा क्या बात है बड़े भैया? मैं बताता हूँ बड़े भैया, सोहनलाल जी ने घर गिरवी रख कर 3 महीनों के लिए पैसे लिए थे। दस्तावेज में लिखा है अगर 3 महीने में वो कर्ज अदा नहीं कर सके तो घर पर कब्जा दे देंगे। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ सोहनलाल जी? आपको रुपयों की जरूरत क्या थी? जरूरत थी मोहन, तू मेरा दिमाग बचा, घर जा अपने। पहले बताइए कि आपको इतने रुपयों की जरूरत क्या थी? तू मुझसे हिसाब लेगा, कह देना जरूरत थी। आपकी जरूरत से मेरा मतलब नहीं निकलता, आपको अभी घर खाली करना होगा। कोई निकाल कर देगा मेरे भैया को, मैं खून का दरिया बहा दूंगा यहीं। मोहन, भैया भगवान भी आपको इस घर से नहीं निकाल सकते। पिता समान बड़ा भाई भगवान से भी बड़ा ताकतवर होता है मोहन। ठीक है, अगर आपने जाने का इरादा कर ही लिया है तो मुझे भी अपने साथ लेते चलिए भैया। श्री राम जी से भरत जी का प्यार लक्ष्मण जी के प्यार से कम नहीं था मोहन। तुम अपना कर्तव्य निभाओ, मुझे अपना कर्तव्य निभाने दो। उदित नारायण जी, आप मेरे गैरेज की वजह से खफा हैं। मैं वो गैरेज आज ही आपको सौंप देता हूं। तुम्हारा गैरेज तो लूंगा ही, पर उसके साथ कुछ और देना होगा। चलो अशरफीलाल। नहीं नहीं बेटा, दुल्हन भगवान किसी को ये दिन ना दिखाए। मैं तुम लोगों को अपने यहाँ रखती, लेकिन ये घर हमें लोगों को कम पड़ता है। मैं अच्छी तरह समझता हूँ चाची, हमारे लिए तुम्हारा आशीर्वाद ही बहुत है। रुक क्यों गए? आओ। जो बात कहने आया हूँ वो यहाँ से भी कही जा सकती है। अच्छा, ऐसी कौन सी बात है? मैं कोई पुराना घर या जमीन का कोई टुकड़ा नहीं हूँ जिसे तुम्हारे डैडी की दौलत तुम्हारे लिए खरीद लेगी।
अच्छा तो लगे हाथ ये भी बता दो कि तुम क्या हो और तुम्हारा दाम क्या है। मैं एक दौलतमंद बाप की इकलौती बेटी हूँ, खरीद लूंगी। अरे बड़ी आई खरीदने वाली, गुस्से में बहुत अच्छे लगते हो। वादा करो शादी के बाद रोज एक बार गुस्सा किया करोगे। अरे जा, तुझसे कौन कर रहा है शादी? तुम्हें किसी ने बताया नहीं अब तक? तुम्हारी हमारी शादी तय हो चुकी है भाई, तुम्हारी चाची खुद आई थी। तो फिर जाकर चाची से फेरे पड़वा लेना, मैं तो किसी और से शादी करूंगा। जरा नाम बता उसका, मुंह नोच लूंगी जाके। तुम्हारी शादी मुझसे होगी, मेरे डैडी की दौलत से। तुम्हारे डैडी की दौलत गई तेल बेचने, जिसने मेरे पिता समान भाई और माता समान भाभी को घर से बेघर कर दिया। मैं भला उसकी बेटी से शादी करूंगा? तो फिर किससे करोगे शादी? लड़कियों की कोई कमी नहीं है, फॉर योर इंफॉर्मेशन। अच्छा एक आध का नाम तो बता। सुनो तो कौन लड़की वरमाला लिए दरवाजे पे खड़ी तुम्हारी बात निहार रही है? एक तो गौरी ही है। अच्छा अच्छा क्या, गौरी से शादी करोगे? क्यों नहीं करूंगा, जाकर कह दो अपने बाप से कि तुम्हारे दहेज को धूप दिखाकर बंद कर दे, क्योंकि मैं शादी करूंगा तो गौरी से करूंगा। सचमुच गौरी से शादी करोगे? हाँ हाँ गौरी से करूंगा, गौरी से करूंगा, समझी? मैं कहती हूँ जब तुमको मोहन को गोद लेने का शौक चढ़ रहा था तो उसके बाप से उसके हिस्से का माल भी ले लेते। सरस्वती बच्चा उन्होंने दिया नहीं था, मैंने मांगा था, और जब मोहन हमारा हो गया तब भैया के पैसे पे उसका क्या अधिकार? कानून तो वो, ये कानून की बात मेरे सामने मत करना, तुम्हारे तो सात पुश्तों में कोई वकील नहीं था। मेरा बाप रायबरेली में गवर्नमेंट प्लीडर था, जो कि कानून को कान से पकड़ कर यूं उठाता था और यो बिठाता था और वो क्यों भी नहीं करता था। ठीक अब है। तो भगवान की कृपा से मेरे दोनों भाई भी यही करने लगे। मेरा चाचा सब जज, उसका लड़का मुंसिफ। ये तो मेरी ही किस्मत फूटी थी जो मैं ब्याह कर यहाँ आई मर भूखों के साथ रहने। सरस्वती तुम्हारी जबान दुखने नहीं लगती बोलते बोलते? हाँ हाँ, तुम तो चाहोगे कि मेरी जबान बंद हो जाए, मैं गूंगी हो जाऊं, मैं मर जाऊं, ताकि जो भी रह जाए वो चेहरा पेटियों में बढ़ जाए। पहले जब तुम्हारे भाई थे तब तो मेरे लिए मुसीबत थे, अब ये औलाद मेरा पेट नहीं छोड़ रहे। तुम चुपचाप बैठे रहो ना एक जगह, मैं सोहनलाल से कहूंगी मुझे मोहन का हिस्सा दे दे। चाचा जी, बस 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 बस, ये लल्लू चप्पू करने की कोई जरूरत नहीं। मैं पूछती हूँ, ये मोहन का माल बिल्कुल हड़प करने का इरादा है क्या? नहीं चाची, आज तो इसी काम से आया हूँ। अच्छा हुआ कि चाचा जी। अरे ये किस काम के हैं, तुम मुझसे बात करो, बोलो। मैं पूरा हिसाब लिख कर लाया हूँ। पिताजी के बैंक अकाउंट में 2784 रुपए और 80 पैसे, पोस्ट ऑफिस में 1730, इंश्योरेंस के 10,000, मिला के ये कुल मिलाकर बने 14,514 रुपए और 80 पैसे। ये मैंने फिक्स डिपॉजिट में डाल दिए थे और सूद को लगाकर ये कुल मिलाकर बने 20,321 रुपए। अरे मगर तुम तो खर्चे का हिसाब किताब करके ये तो बताओ कि मोहन के हिस्से में बनते कितने हैं? बहुत मौज कर लिए तुमने उनके रुपयों पर। सरस्वती 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 कहे चले जा रहे हो, सारी दुनिया जानती मेरा नाम सरस्वती है। सांप लौट रहा होगा इस वक्त सीने के ऊपर, चूंकि मैं हिसाब ले रही हूँ। और तुमसे किसने कहा ये रुपए फिक्स डिपॉजिट में रखने को? बाजार में चलाते तो 2 रुपए सैकड़ा हर महीने सूद में मिल सकता था। मैं तो साफ बाजार के हिसाब से सूद लूंगी, और ये जो घर बेचा है इसके 10,000 रुपए और जोड़ लो, क्योंकि ये बाबा का राज नहीं है। सोहन बेटा तुम जाओ, मोहन का कोई हक ही नहीं बनता। क्या कहा तुमने? हाँ ठीक कहा है मैंने। चाचा जी मैं फिर कभी आ जाऊंगा। जाने कौन देगा, पहले मोहन के सारे पैसे यहाँ लाकर रख दो। इस पुट्ठे को तो मैं बाद में समझ लूंगी, मैंने तुम्हारे भाई बेटों का ठेका नहीं ले रखा है। ऐसे झोंक जैसे रिश्तेदार मैंने कभी जिंदगी में नहीं। मरने वाला तो था ही करेला, जीने वाला नीम चाया करेला। चाचा जी ये इसी लायक है बेटा। सोन बेटा तुम इस वक्त जाओ यहाँ से, मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से, आज मैं इसका दिमाग ठीक करता हूँ। 22 साल से भुगत रहा हूँ इसकी वजह से, घर बता उसी के दुख में भैया चल बसे। बहुत धो चुका अपनी शराफत। अरे ये तो इस घर के आंगन में उठने वाली दीवार है,
आज गिर जाने दो ये दीवार। आज मैं इसके जुर्म गिनता जाऊंगा। ये पहला जूता, ये दूसरा जूता मुझे तुमसे, अपनी बहू से। नमस्ते भाभी। आओ श्यामा। मुझे गौरी से कुछ कहना है, अगर आप बुरा ना माने। इसमें बुरा मानने की क्या बात है, दो सहेलियों के बीच मेरा क्या काम। मतलब ये कि मोहन के पेट में ये बात रुकी नहीं, उगल ही दिया कि मैंने तुझे खून देने से इनकार कर दिया था। हाँ, और मैं बहुत लड़ी मोहन से कि उसने मुझे ये बात क्यों बताई। तेरी दोस्ती ही तो मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज थी, मैं तो कंगाल हो गई ना। चाय पीगी? नहीं, खून का हिसाब साफ हो जाने के बाद सोचूंगी कि मेरे प्यार पे शक करने वाली गौरी के हाथ से चाय पीऊं या ना पीऊं। कितने हिसाब साफ करेगी? हिसाब सिर्फ खून का नहीं, बड़े भैया को घर से बेघर करने का हिसाब भी है। देख गौरी, मुझसे ज्यादा बात नहीं की जाती, थक जाती हूँ। आज खून का हिसाब साफ कर लेने दे, बाकी हिसाब खुद ही साफ हो जाएंगे। कैंसर का दर्द समझ ले कि सहेली की बेवफाई के दर्द से भी ज्यादा होता है। मैं तुझे अपना बीमार खून नहीं दे सकती थी, चाहती तो यही थी कि तुझे बताए बगैर मर जाऊं। तू ये सोच के मेरी मौत को टाल देती कि जिसने जरा सा खून नहीं दिया उसकी मौत में आंसू बहाओ, मेरे ठेंगे से मर गई। लेकिन डैडी ने सब गड़बड़ कर दी और मुझे तेरे पास आना पड़ा। देख देख, तू मुझे रुलाने के लिए झूठ मत बोल श्यामा की बच्ची। यही है तेरी दोस्ती, यही है तेरा प्यार कि तूने आज तक मुझसे ये बात छुपाए रखी। ये बात छुपाने की ही है गौरी, मम्मी और डैडी आज तक ये बात मुझसे छुपाए हुए हैं। मुझे मरने का दुख नहीं है, दुख इसका है कि तेरी शादी नहीं देख पाऊंगी, तेरे दूल्हा को फूलों की छड़ी से नहीं मार पाऊंगी। नहीं, कैसी बातें कर रही है, तुझे कुछ नहीं हो सकता, तुझे कुछ नहीं हो सकता। भगवान इतने निर्दय नहीं, भगवान ने चाहा तो तेरी शादी धूमधाम से होगी। मोहन दूल्हा बना हुआ घोड़ी पर सवार आएगा, मैं खूब ढोल पीट पीट कर गालियां गाऊंगी। सुन, तेरी तकदीर तो मेरी माथे पर लिखी होगी ना। हाँ, मैं लहू लहान कर दूंगी इस माथे को कि यमराज तेरे दिन खत्म होने की बात पढ़ ही न पाए। गौरी, मैं तुझ पर रोने के लिए जिंदा नहीं रहूंगी श्यामा, तू रोएगी मुझ पर, तू रोएगी मुझ पर। मानेगी, दोस्ती निभानी तुझे ही नहीं मुझे भी आती है। क्या है ना बेटी? डॉक्टर को मजे की हर चीज मना करने का शौक है डैडी। अरे अचार ही ना हो तो जीने का मजा क्या? क्यों ना खाओ? क्या हुआ है मुझे? भली चंकी हूं, डॉक्टर ने भी तो यही कहा है ना डैडी? हाँ, डॉक्टर ने तो यही कहा कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। पर सुनो बेटी। माँ, मैं जरूर खाऊंगी, मैं खाऊंगी। ऐसी कौन सी बात है जो कब्रिस्तान में ही हो सकती है? है कैसी बात, इन कब्रों को गवाह बनाकर तुमसे कुछ पूछना है। मैं भी एक जिंदा लाश हो सकती है, मेरे पास चाव का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं। अपनी बेबसी की धूप में चल रही हूँ, मुझे थोड़ी सी छांव दोगे? मैं तुम्हारे और सूरज की बेदर्दी के बीच जीवन भर खड़ा रहूंगा। कोई सूरज की धूप प्यार की छांव से बड़ी नहीं होती गौरी। इतना प्यार करते हो मुझसे, ये भी नहीं पूछोगे कि मैं एकदम से
तुम्हारी छांव क्यों मांग रही हूँ? जो पूछे वो प्रेमी ही नहीं। फिर भी मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मुझे पता है प्रेम तो तुम्हें मोहन बाबू से है। तुम्हें ये बात बुरी नहीं लगती? नहीं, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। हाँ, अगर तुम मुझसे कहती कि मैं तुमसे प्रेम ना करूं तो मुझे जरूर बुरा लगता। मैंने इसीलिए अपने आप को बचाए रखा कि क्या पता कब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ जाए। श्यामा मेरी सब कुछ है। मैं उसके और मोहन के बीच से हटना चाहती हूँ। तुम मुझसे ब्याह कर लो। ब्याह? शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मोहन का बच्चा मेरे पेट में पल रहा था और पैदा होने से पहले वो मर गया। अब बताओ मुझसे ब्याह करोगे? हाँ, मैं तुमसे ब्याह करूंगा, क्योंकि भक्त देवी को उसके हर रूप में पूजता है। मेरे ऊंचे नीचे लंबे ला।
कुमारी से शादी कर रहे हो? वो राजी भी हो गई? वो तो मोहन बाबू के बच्चे की माँ भी बनने वाली थी बीबी जी, मुझसे बोली मुझे चाहता है ना, चाहता है तो मुझसे ब्याह कर ले, मैं तैयार हो गया। तब बोली देख सुखदेव तू बड़ा अच्छा आदमी है, मैं तेरे को धोखा नहीं दूंगी, मैं मां बनने वाली हूं, मैं तो गौरी को तब भी अपना लेता बीबी जी, आखिर वो बच्चा बनता तो उसी के बदन से ना, पर वो पैदा होने के पहले ही मर गया। मैंने कुछ गलत किया बीबी जी? पता नहीं सुखदेव, इन बातों में हर मर्द और हर औरत का सही गलत अपना अपना होता है। अगर तुम मुझसे प्रेम नहीं करती तो यहां बार बार क्यों आती हो? चुप क्यों हो, बोलती क्यों नहीं? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? ये तुम पूछोगी मुझसे? तुम प्यार का मतलब जानते हो तो बलिदान का मतलब भी जानते होते। प्यार बलिदान ही का एक नाम है मोहन। तुम मुझे ये बताओ कि जब मेरा एक प्यार मेरे दूसरे प्यार से टकरा रहा हो तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ, मैं श्यामा से भी प्यार करती हूँ। नाम मत लो उसका। थोड़े ही दिनों की बात है, फिर उसका नाम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यार किसी का नाम लेकर थोड़ी पुकारती है। वो तो तुम्हारी जान बचाने के लिए बोतल पर खून ना दे। और तुम? मेरे मर जाने से कोई फायदा हो तो मैं हजार बार मर जाऊं उसके लिए। और अगर तुमने श्यामा से शादी न की तो मैं मरकर दिखला भी दूंगी तुम्हें। मोहन मैं कह रही हूँ मुझे बचाने के लिए तुम श्यामा में डूब जाओ। कमाल करती हो, प्यार तुमसे करता हूँ और शादी श्यामा से करूँ? हाँ, अगर मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें यही करना होगा। नहीं नहीं ऐसे ना देखो मुझे, मैं ठीक कह रही हूँ। तुम जो डॉक्टर होते तो मरीज की हालत देखकर नुस्खा लिखते, या अगर दवा महंगी होती तो टाल जाते। मोहन, मोहन श्यामा कैंसर में मर रही है। क्या? हाँ, तुम यूँ समझो कि तुम उसकी मौत को आसान करने वाली एक दवा हो। मिल जाओ उसे मोहन, तुम्हें मेरी कसम मिल जाओ उसे। गौरी, मैं तो यूँ भी सुखदेव से शादी कर रही हूँ। सुना है कभी कभी खोने में बहुत मजा आता है, चलो एक दूसरे को खोकर देख ले। नहीं गौरी। बस अब और कुछ मत कहो, तुझे मेरी कसम मोहन। ऐसे क्यों बैठी हो बेटी, तबीयत तो ठीक है ना? मेरे सामने मुस्कुराते रहने में आपको और डैडी को कितनी तकलीफ होती होगी ना मम्मी। भगवान ने मुझे बहुत अच्छे मम्मी डैडी दिए, मुझे सब मालूम है मम्मी, सब जानती हूँ। याद है जब दीदी मरी थी मैं छोटी सी थी, पूछती कि दीदी कहाँ है तो आप आसमान में एक तारा दिखला कर कहा करती थी वो रही तेरी दीदी। अब आसमान में मेरे नाम का भी एक तारा ढूंढ लीजिए माँ। मुझे आप दोनों के अकेले रह जाने के ख्याल से बहुत दुख होता। एक प्याली चाय मिलेगी? मैं तुमसे ये कहने आया हूं कि मेरी शादी तुम्हीं से होनी चाहिए। उस दिन तो बड़े गुस्से में गए थे गौरी से ब्याह करने। सोचा था कि जाने के लिए मुड़ूंगा तो तुम रोक लोगी, मना लोगी, पर तुमने तो हंसना शुरू कर दिया। और मैं जाने के लिए मुड़ चुका था, क्या करता, जाना ही पड़ा। पर चाहता तुम्हें हूं और शादी किसी और से कैसे करूं? यानी तुम्हें पता चल गया कि खुश रहने के लिए मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं।
देखो मुझे हंसाओ मत, हंसती हूँ तो थक जाती हूँ। लेकिन एक बात सुन लो, मेरे जीते जी तुम्हारी शादी गौरी के सिवा और किसी से नहीं हो सकती। मैं तुम्हें चाहती हूँ लेकिन मुझसे भी नहीं। लेकिन गौरी की शादी तो तुम्हारे ड्राइवर सुखदेव से हो रही है। पता है, और ये भी पता है कि वक्त बहुत कम है, लेकिन गौरी की शादी सुखदेव से नहीं तुमसे होगी, ये तुमसे वसीयत कर रही हूँ। ये जबरदस्ती की वसीयत मत करो, चाहता तुम्हें हूँ और गौरी से शादी कैसे कर लो, उसका मेरा मेल ही क्या है, बराबर वालों में शादी करूंगा। जानती हूँ, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि जब तुम गौरी के लिए मेरा खून मांग रहे थे, उस एक्सीडेंट में गौरी तो बच गई थी लेकिन वो बच्चा मर गया था। जो अगर पैदा होता तो म्यूनिसिपैलिटी के रजिस्टर में उसके बाप की जगह तुम्हारा नाम लिखा होता। उस गौरी को छोड़कर मेरे पास आते हुए तुम झिझके भी नहीं। श्यामा, 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 आदमी बनो मोहन, आदमी बनो और प्यार के रास्ते पे चलना सीखो। तुम्हारा प्यार का रास्ता गौरी के घर की तरफ जाता है। श्यामा, श्यामा, जाओ मोहन, गौरी के पास जाओ, जाओ मोहन, गौरी के पास जाओ। श्यामा, तुम्हें मेरी कसम मोहन, श्यामा, जाओ, जाओ, गौरी के पास जाओ। हेलो, कौन? कुत्ता बोल रहा हूँ मैं। कौन? कुत्ता? कुत्ता नहीं, राम सादे कुत्ता, मालिक। मालिक? क्या पूछा मुझे मालिक? साफ सुनाई नहीं देता। अच्छा मालिक, मोहन को किसी हालत में वहां पहुंचने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल मालिक, विवाह मंडप को जला के खाक कर देंगे। आप बेफिक्र रहिए मालिक, उसे चोट बिल्कुल नहीं लगेगी। जी हाँ। रास्ता छोड़।
अच्छे लग रहे हो साथ साथ, कभी अलग नहीं होना। अरे रोती क्यों है पगली, तेरे 500 तो डूब गए रे। मैंने तो कहा था महाजन की बेटियों सूट समेत दिलवाऊंगी तेरे 500 रुपए, लेकिन महाजन की बेटी थोड़ी बहुत बेईमानी तो करेगी ही ना। तेरा असल तो डूब गया, लेकिन ये सूट ले ले। हाँ तेरी मी